बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैन और मैं हूं भाभी और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नैन भाभी। तो आज हमारे किचन में क्या बना है भाभी? आज हमने बहुत मज़ेदार सी मसालेदार अंडा कढ़ी तैयार करी है जो मिनटों में बन गई है और बहुत टेस्टी होती है। इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। शुरुए वाले अंडे बहुत खा लिए, आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा। चलेंगे रेसिपी की तरफ चलते हैं। बताइए भाभी। अच्छा, बिल्कुल बताएंगे हम आपको। हमने ये 4 अंडे लिए हमने, जिसको बॉईल करके छिलका उतार के इस तरह हमने पीसेस में काट लिए हैं। 1 कप हमने जो है टमाटर लिया है, टमाटर को हमने कद्दूकश कर लिया। ये फ्रीज़र का निकला हुआ हमारा टमाटर है, आपके पास ताज़ा हो तो आप ताज़ा भी यूज़ कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। और ये हसबे ज़रूरत हमने हरा धनिया लिया जिसको बारीक बारीक काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी जिसको हमने बीच में से 2 टुकड़े कर लिए। चाय का आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। और ये चंद दाने हमने कड़ी पत्ते के लिए, 1 प्याला हमने प्याज लिया जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमने चाय का 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन लिया है। नमक हमने हसब ज़रूरत लिया है। खाने का 1 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। खाने का 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, मेरा भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और ये चाय का 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है और चाय का 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अच्छा, इसमें हमने जो है 5 चम्मच खाने के हमने इसमें ऑयल डाला है जिसमें अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। अच्छा भाभी, ज़ीरा हो गया है? जी बिल्कुल हो गया। इसमें हम जो है ये कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे और इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन कलर नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा हमें देना है इसका कलर। ठीक है, इतना पकाएंगे इसको। और ये जो है हमारी नन की रेसिपी है, उनका चैनल भी चल रहा है माशाल्लाह से और उनके चैनल का नाम है किचन विद दुआ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैं। जी बिल्कुल, तो आप वो चैनल भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को उनकी रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी और उनकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बहुत अच्छे अच्छे टिप देती हैं वो, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे और इसी के साथ इसको भी भून लेंगे। अदरक लहसुन को भी भून लिया हमने प्याज के साथ, उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। हर चीज़ जा रही है शोर मचा रही है। जी क्यों? असल में फ्रीज़र से निकला हुआ है ना, तो फ्रीज़र में आपको ना जैसे पानी भर जाता है, तो इसमें पानी है और पानी अगर आपके ऑयल में जाएगा तो वो तो शोर मचा रही है। इसको कितनी देर भूनना है? अच्छे से भूनेंगे, सारे मसाले भी मैं इसके इसी टाइम कर लेंगे। ये देखिए, इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और ये नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे सब चीज़ों को, तकरीबन 5-10 मिनट। जी जी बिल्कुल, देखिए मसाला अच्छे से भून गए, सब चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें हम जो है अंडा ऐड करेंगे इस तरह, ऐसे उल्टा करके। जी, ताकि इसके जर्दी में अच्छे से मसाला जो है जब हो जाए। जर्दी थोड़ी सूखी सूखी से रहती है ना, फंसती है फंसती है, थोड़ा सा सी क्यों आ रही है आपको? कार्टून याद आ रहे हैं मुझे ड्रैगन्स के अंडे। ये देखो, इसको थोड़ा सा हम जो है हिलाएंगे झुलाएंगे, थोड़ा सा बस हिलाएंगे, ज्यादा झिंझोड़ेंगे नहीं वरना ना पता है क्या जल्दी वरना जल्दी बोलेगी क्या हुआ भाई, जलजला आ गया क्या? तो बस मसालेदार एग कड़ी अंडा जो भी कह लें तैयार है, मसालेदार अंडा रेडी है, तैयार रेडी है। हाँ बस ज़रा सा, बस 1-2 मिनट ताकि वो अंडे के अंदर जो है अच्छा सा फ्लेवर चला जाए इसके। ये देखें, अब इसको हम इस तरह पलटेंगे। अच्छा, जर्दी मज़े की बात है, निकली नहीं बाहर? नहीं निकली। ये देखें आप, रेडी है ये? जी बिल्कुल रेडी है ये। इस पर अब थोड़ा सा हम हरा धनिया छिड़केंगे और हरी मिर्चें छिड़केंगे। आपने काट ली? जी बिल्कुल काटी हमने। और ये देखिए, हम हमारे हाथों से खुद से ही ये जो है निकली है, वरना वैसे नहीं निकली थी भाई, वैसे नहीं निकली थी भाई, उनके थोड़े से बैलेंस आउट की वजह से। अब इस पे हम जो है ये हरी मिर्चें डालेंगे, ये देखें जरा, और ये हल्के ज़रूरत हरा धनिया ऐड करेंगे और ये मज़ेदार सी मसालेदार अंडा कढ़ी तैयार है।
इसको खाइएगा, इंजॉय करिएगा। इसको आप पराठे के साथ खाइएगा, इसको आप रोटी के साथ खाइएगा गरम गरम, और इंजॉय करिएगा। पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। और अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। मिलते हैं इसी सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।